सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, फाइनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे। यार, इस टॉपिक पे हम एक और वीडियो बना चुके थे जो कि हमारा था कि इंडियन स्पिरिट्स मतलब कैसे चेक करेगी वो प्योर है कि नहीं। बहुत आदमी मतलब कि इंडियन स्पिरिट्स खरीदते हैं, बाय करते हैं, उनको मतलब मिक्स ब्रीड मिल जाता है, फिर क्वालिटी बहुत नॉर्मल मिल जाता है और पैसे भी ज़्यादा ले लिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ गाइज कि मेरे इंस्टाग्राम पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं इस रिलेटेड कि भैया मेरा इंडियन स्पिरिट्स प्योर है, मुझे पिक भेजा जा रहा है प्योर है। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल क्वालिटी, और वो बता भी रहे हैं मुझे 5,000 लिया गया है, 6,000 लिया गया है। सो गाइज, ये कॉस्ट भी ज़्यादा लिया जा रहा है, चीज़ भी अच्छा नहीं दिया जा रहा है। सो गाइज, अगर आप पैसे फंसाते हो तो कौन सा चीज़ लोगे जो कि आपको देख मतलब कि पहचान जाओगे कि ये इंडियन स्पिरिट्स ओरिजिनल इंडियन स्पिरिट्स है, और मेरा 4,000 या 5,000 मतलब जो भी मैं पैसा फंसा हूँ वो मेरा मतलब कि अच्छा सही जगह पैसा फंसा है। सो गाइज, मेरे हाथ में देख सकते हो मेरी इंडियन स्पिरिट्स पब्स है गाइज, इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। क्वालिटी आप लोग को मतलब कि आँख के सामने देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पप्पी कैसा है और जो आप ले रहे हो वो कैसा है, ठीक ना गाइज। वो देखो, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि सारे पप्पी ख़राब होते यही अच्छा है, मतलब सारे जगह के पप्पी अच्छे होते, ये जो फ्रॉड हो जाता है मतलब कि मिक्स ब्रीड हो जाता है, ओरिजिनल ब्रीड कह के मिक्स ब्रीड किया जाता है, ये ख़राब चीज़ है। और कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब कि आप इंडियन स्पिरिट लिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हो जाता है कि पैसे फंसा दिए उसके बाद भी हम इंडियन स्पिरिट्स प्योर नहीं ले पाएँ, ये गाइज गलत है। सो गाइज, हम कुछ आपको बेसिक टिप्स बता देते हैं जो कि अगर आप लोग बाय करने जाते हो कोई भी पेट शॉप पे, तो वो अगर आप उनको बोलते हो कि इंडियन स्पिरिट्स मुझे चाहिए और वो दिखाते हैं ऐसा पप, तो ही आप लेना, या फिर अगर आपको नॉर्मल बच्चा दिखाया जाता है, रेट ज़्यादा दिखाया जाता है, तो आप मत लेना। अगर उससे कम रेंज में आपको नॉर्मल क्वालिटी मिलता है तो ले लेना। सो गाइज, देख सकते हो कि मेरे हाथ में ये मेरा इंडियन स्पिरिट्स है जो कि फीमेल है, इसका नाम चेरी है और ये मेरी होम ब्रीडिंग का है। इसकी मदर को आप देखोगे तो कहोगे भैया ये कैसे क्वालिटी का है, मैं सही में बता रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है फीमेल। इसका जो फादर था बहुत ही अच्छी क्वालिटी था, ये बच्चा बिल्कुल फादर पे गया है। सो गाइज, मैं बता देता हूँ आप लोग को क्वालिटी कैसे चेक करनी रहती है। सबसे पहले गाइज, पेट शॉप पे जाओगे, अगर आप एक देखते हो बच्चा, तो बच्चा आप हाथ में उठाओगे तो सबसे पहले आप उसका हेयर चेक करोगे, हेयर देखोगे एकदम शॉर्ट कोट किसी का रहता है, एकदम छोटा छोटा, एक का देखोगे हाथ घुसाओगे तो पूरा मतलब कि हाथ में बाल एकदम अच्छी तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। देखो बाल कितना अच्छे तरीके से, यहाँ देखो बाल देख रहे हो, बाल यहाँ बाल देखो, ठीक है। और ये अभी हो चुका है 40-43 डेज के। ऐसा नहीं कहूँगा गाइज कि सारे बच्चे ऐसे ही होते, वो डिपेंड करता है पेट शॉप ऑनर पे, डाइट के केयर पे। डाइट आप लोग जैसा दोगे वैसा ही आपका पपी बनेगा, जैसा कि हम लोग जैसा खाना खाएंगे वैसा ही हम लोग का रिजल्ट रहेगा। तो उस अनुसार अगर हम अपने पपी की अच्छे से केयर करते हैं तो इसकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। हेल्थ नहीं केयर करेंगे तो हेल्थ कमज़ोर रहेगी, चाहे वो अच्छा पपी हो चाहे नॉर्मल पपी हो। गाइज, सबसे पहला बात हो जाता है इंडियन स्पिरिट चेक करने में ये, उसका रुआं अच्छा तरीके से आप लोग देखोगे कि रुआं बहुत बड़ा रहता है, हेयर जिसको हम लोग कहते हैं, और टेल देखोगे कि टेल एकदम शॉर्ट रहेगा, राउंड हल्का रहेगा, ठीक ना, इंडियन स्पिरिट्स का। किसी का इंडियन स्पिरिट्स का सीधा भी रहता है लेकिन बहुत राउंड रहता है तो क्यूट लगता है। देखो इंडियन स्पिरिट पूछ शॉर्ट रहेगा, पूछ ऐसे करके रिंग रहेगा, ठीक, इंडियन स्पिरिट्स में रिंग रहेगा। क्वालिटी जिसका अच्छा रहेगा आप लोग देखोगे रिंग रहेगा, ठीक है। इस एज में कान अधिकतर के खड़े रहते हैं, कुछ कुछ के मतलब डाउन ही रहते, कुछ कुछ के खड़े हो जाते हैं। और गाइज, ये हो गया सबसे फर्स्ट हमारा हेयर, सेकेंड हो गया ये। और गाइज, आप लोग देखोगे कि अगर आप लोग को अच्छा बच्चा चाहिए, जैसा कि एकदम हैवी बोन में चाहिए, तो उसको आप लोग को फोटो या फिर सामने से देख के ही आपको पता चल जाएगा वो हैवी बोन में है कि नहीं है। बहुत सारा डॉग रहता है एकदम पतला दुबला रहेगा, मतलब खान थोड़ा सा खड़ा रहेगा, रुआं कम रहेगा, ठीक ना। लेकिन वो आप लोग को तो फर्स्ट टाइम ऑनर हो गए तो कहोगे ये नहीं है इंडियन स्पिरिट्स से, या वाइट है, बाल है, तो हम ले लेते हैं। सो गाइज, ऐसा नहीं होता है इंडियन स्पिरिट्स में। मैंने बताया कि सबसे पहले आप जब भी परचेज करते हो उसका हेयर देखो, हेयर इतना बड़ा बड़ा है कि नहीं, हेयर देखो। सेकेंड देखो कि उसका टेल कैसा है, टेल शॉर्ट है, शॉर्ट है, जितना शॉर्ट रहेगा उतना ज़्यादा क्यूट रहेगा, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे फर्स्ट तो हेयर ही देखा जाता है इंडियन स्पिरिट में। अगर आप हेयर देख के लेते हो तो बहुत ही बेटर है। हेयर देखो कितना ज़्यादा सॉलिड है, जिस बच्चे का अभी इतना हेयर है तो वो आगे चल के कैसा होगा, अच्छा तो जाएगा ही ना, वो तो ऑफकोर्स सही बात है कि और जाएगा।
और देखोगे गाइस हमारा बेस्ट एकदम, मतलब कि कोई एक और टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा टिप। इंडियन स्प्रिट्स में बहुत तरह के होते हैं, एक पॉइंट फेस होता है, एक पंच फेस होता है। गाइस पंच फेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थोड़ा लगता है, ठीक ना। जो पॉइंट फेस होता है वो थोड़ा कम क्यूट लगता है, ऐसा नहीं कि ये फुल्ली पंच फेस होगा। पंच फेस और पॉइंट फेस मिक्स होगा, मतलब कि नॉर्मल जाएगा, उतना पॉइंट नहीं जाएगा, कम पॉइंट जाएगा। आप लोग देखो इसकी हेड की साइज़ देखो। और गाइस ये मैंने काला धागा बांध के रखा है। बहुत आदमी बोलते हैं भाई काला कुछ लगा के रखो, तो मैंने बांध दिया। वो सब चीज़ वैसे मानता नहीं हूँ, लेकिन घर में सब मानते हैं तो बांध दिए, कोई दिक्कत ना है इसके लिए, ठीक है गाइस। फर्स्ट हमारा हो गया हेयर चेक करो, सेकेंड टेल चेक करो, टेल में हेयर है कि नहीं, अच्छा खासा हेयर है कि नहीं। बच्चे का क्वालिटी देखो, बच्चे का क्वालिटी कैसा है, बच्चा हैवी है या फिर कि नहीं। ये मेरी बहुत क्यूट बेबी है, चेरी इसका नाम है, और बहुत ही ज़्यादा मैं इसको प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरी घर की लाडली है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। और गाइज एक और क्वेश्चन आता है कि भैया पप्पी बाइट बहुत करते हैं, तो गाइज इस एज में सारे पप्पी बाइट करते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक सॉल्यूशन है, आप लोग उसको कैल्शियम बोन आता है, फिर उसका टॉय आता है, वो सारी चीज़ छुड़ाने के लिए आप उसको टॉय दे सकते हो, जिससे वो खेलने में बिजी रहेगा तो आपको बाइट नहीं करेगा। वरना आप देखोगे कि छोटा बच्चा दौड़ दौड़ के पैर को काटेगा, इधर काटेगा, वो सामान काटेगा, ये काटेगा, ठीक है। और इस बच्चे की जब तक 3 महीने नहीं होती है, 15-15 दिन पे प्रॉपर डिवॉर्मिंग करोगे, डिवॉर्मिंग की जो मेडिसिन होती है, अगर वो वेट से आप सजेशन लेके प्रॉपर 15 डेज पे अगर आप अपने पपी का डिवॉर्मिंग करते हो, तो हेल्थ और ही इंक्रीज रहेगा, और ही बच्चा आपका बहुत अच्छा क्वालिटी का दिखेगा। सो गाइस देख सकते हो मेरा पपी। सो आई होप गाइज कि आपको इंडियन स्पिरिट्स लेने में मदद होगी इस वीडियो देख के। अगर आप इंडियन स्पिरिट्स बाय करना चाहते हो अच्छी क्वालिटी का, और फ्रॉड से बचना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो पसंद पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज एक और बहुत अच्छी बात, अगर आप लोग डॉग फूड पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा कि कौन सा डॉग फूड अच्छा है, कौन सा डॉग फूड मैं खिला रहा हूँ अभी फ़िलहाल, जो पहले खिला रहा था वो नहीं, फ़िलहाल क्या खिला रहा हूँ, ये सारी चीज़ अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करो। डॉग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे फॉलो कर लेना, और जो भी डॉग रिलेटेड क्वेश्चन रहता है आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसके तरफ से बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।